दिवसीय दौरे पर अपने गृह जनपद गोरखपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चार परियोजनाओं के शिलान्यास कार्यक्रम में लिया प्रतिभाग। मंदिर में करेंगे रात्रि विश्राम। सोमवार को विभिन्न कार्यक्रम में भाग लेने के उपरांत दोपहर लगभग 12 बजे आगरा के लिए करेंगे प्रस्थान। करोड़ रुपए की चार प्रमुख परियोजनाओं का सीएम योगी ने किया शिलान्यास। कहा, बुलेट ट्रेन की गति से विकास कराती है ट्रिपल इंजन की सरकार। विकास के लिए पैसों की नहीं है कोई कमी, संरक्षण की जिम्मेदारी है नागरिकों की। दुष्कर्म व लूट करने वाले दो अभियुक्तों अमरजीत निषाद उर्फ मिट्ठू निषाद एवं अरविंद निषाद के ऊपर गुलेरिया थाने की पुलिस ने जिलाधिकारी के निर्देश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई। एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने दी जानकारी। गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार की सुबह 10 बजे जटाशंकर गुरुद्वारे पर पहुंचकर करेंगे उनको नमन। सीएम योगी के कार्यक्रम स्थल गुरुद्वारा का डीआईजी जे रविंद्र गौड़ एवं एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। जटाशंकर गुरुद्वारे के अध्यक्ष सरदार जसपाल सिंह ने कहा, शहीदों के सरताज गुरु तेग बहादुर सिंह के शहीदी पर्व पर सीएम योगी के आगमन को लेकर गुरुद्वारा परिवार की तरफ से तैयारियां हुई पूरी। सरकारी धन का दुरुपयोग करने के आरोप में अभियुक्त ग्राम विकास अधिकारी अजीत कुमार को गोला थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने दी जानकारी। चंपा देवी पार्क में आयोजित होने वाले सामूहिक विवाह कार्यक्रम के मद्देनजर सोमवार को वाहनों का किया गया रूट डायवर्ट। एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा, सोमवार को सुबह 8 बजे से कार्यक्रम की समाप्ति दोपहर 12 बजे तक जारी रहेगा रूट डायवर्जन। अपहरण में सहयोग करने के आरोप में एक अभियुक्ता को हरपुर बुधहट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। एसपी साउथ ने दी जानकारी। चंपा देवी पार्क में 1000 से अधिक जोड़े लेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में शादी के फेरे। नवविवाहित जोड़ों को सीएम योगी देंगे आशीर्वाद। सभी तैयारियां हुई पूरी। जलकल विभाग के सहायक व अवर अभियंता से रंगदारी मांगने वाले शातिर अभियुक्त शिवदयाल पांडे को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। यातायात माह के अंतर्गत गोरखपुर विश्वविद्यालय के एनसीसी के छात्र एवं छात्राओं को पढ़ाया गया यातायात नियमों का पाठ। एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा, विभिन्न माध्यम से जागरूकता फैलाने का निरंतर किया जा रहा है प्रयास, ताकि अधिक संख्या में लोग सड़क सुरक्षा के प्रति हो सके जागरूक। पूर्वांचल थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। मुख्य अतिथि एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, सभी लोगों को अपने जीवन में करना चाहिए रक्तदान। एक बार रक्तदान करने से 3 लोगों की बचाई जा सकती है जान। और सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज के एल्यूमिनाई एसोसिएशन द्वारा एग्रो कप क्रिकेट प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। एल्यूमिनाई व नए खिलाड़ियों के बीच खेला गया क्रिकेट मैच। एल्यूमिनाई खिलाड़ी विजेता व नए खिलाड़ी हुए उप विजेता। एडीजी जोन अखिल कुमार ने विजेता व उप विजेता खिलाड़ियों को स्मृति चिन्ह व प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित।